गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 10 के वाणिज्य के अंतर्गत एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है नस्तीकरण अथवा फाइलिंग। नस्तीकरण क्या होता है इसके बारे में इस अध्याय में बताया गया है। आप जानते हैं कि प्रत्येक व्यवसाय में रोज़ सैकड़ों पत्र आते हैं और सैकड़ों पत्र जाते हैं। इसके अलावा तमाम तरह के कागजात जो होते हैं वो व्यापार में रहते हैं। इन कागजातों को किस प्रकार से संभाल कर रखा जाए ताकि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर वो फिर से उसको निकाला जा सके, इसी व्यवस्था को हम लोग कहते हैं फाइलिंग। फाइलिंग प्रपत्रों को सहेज कर या क्रमबद्ध तरीके से रखने का एक तरीका है। अगर इसकी परिभाषा हम देखें तो कह सकते हैं कि नस्तीकरण अथवा फाइलिंग वह विधि है जिसके द्वारा व्यवसायिक अभिलेख में तमाम चीज़ें आ गई। उसमें पत्र भी है, उसमें बाउचर भी है, उसमें रसीदें भी हैं। जितने भी व्यवसाय के अभिलेख हैं जो कागज़ से संबंधित हैं, उन अभिलेख को इस प्रकार से रखे जाएं कि आवश्यकता पड़ने पर शीघ्र प्राप्त किए जा सकें। उन अभिलेखों को सुरक्षित रखने की जो तकनीक है, जो कला है, जो विधि है, उसको ही हम नस्तीकरण कहते हैं। इसको इंग्लिश में फाइलिंग कहा जाता है। फाइलिंग का जो प्रमुख उद्देश्य होता है उसमें बाहर जाने वाले पत्रों की प्रतिलिपि को सुरक्षित रखना, जिससे कि भविष्य में ज़रूरत पड़ने पर काम आ सके। इसी तरह से इसका दूसरा जो उद्देश्य है वो है आवश्यकता पड़ने पर पिछले पत्रों से संबंधित जानकारी शीघ्रता एवं सुविधा से प्राप्त हो जाए। तीसरा उद्देश्य पारस्परिक मतभेदों को दूर करने के लिए पत्रों एवं प्रतिलिपियों को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करना। इसी तरह से कानूनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए नस्तीकरण के माध्यम से पत्रों को सुरक्षित रखना। व्यापार के भावी विकास के लिए पत्र व्यवहार से सहायता लेना। गत वर्षों के पत्र व्यवहार की पारस्परिक तुलना करने, पिछला पत्र व्यवहार देखने के लिए। इस तरह से मुख्य जो उद्देश्य है इसका वो यही है कि व्यापार के सभी अभिलेखों को भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जाए ताकि जब भी आवश्यकता पड़े उसको आसानी से ढूंढा जा सके। अब हम देखेंगे नस्तीकरण की उपयोगिता अथवा लाभ। नस्तीकरण का लाभ क्या है, नस्तीकरण किस लिए किया जाता है, व्यापार को इससे लाभ क्या होता है। नस्तीकरण के लाभ के अंतर्गत आप देखेंगे कि नस्तीकरण का जो लाभ है, लाभ में सबसे पहला आता है पत्रों की सुरक्षा। पत्रों की सुरक्षा, नस्तीकरण से व्यापार में जो भी पत्र होते हैं, अभिलेख होते हैं, वो सुरक्षित बने रहते हैं अधिक समय के लिए। आज का 2020 का कोई पत्र हो या कोई अभिलेख हो, उसको 10-20 साल के लिए संभाल कर रखा जा सकता है यदि अच्छी फाइलिंग की व्यवस्था किसी व्यवसाय में है। भविष्य के संदर्भ हेतु, दूसरा भविष्य के संदर्भ हेतु, भविष्य में कोई आवश्यकता पड़ जाए तो फाइलिंग से हम पत्रों को आसानी से निकाल सकते हैं और उसका संदर्भ दे सकते हैं। इसी तरह से तीसरा जो लाभ है, पत्रों को निकालने में सुविधा होती है अगर फाइलिंग की व्यवस्था है तो। अगर ऐसे ही गड्ढमड्ढ हम रख दें सारी पत्रों को तो किसी पत्र को ढूंढना हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, उसको हम ढूंढ नहीं पाएंगे। मतभेद सुलझाना, अगर व्यापार में दो व्यापारियों के बीच कोई मतभेद हो जाए तो बाउचर या अभिलेख या पत्र व्यवहार जो है वो फैसले को सुलझाने में बहुत ही मददगार साबित हो जाते हैं। न्यायालय में भी साक्षी के रूप में पत्र व्यवहार को या व्यावसायिक अभिलेखों को प्रस्तुत किया जा सकता है। अगर फाइलिंग रखी गई है तो अभिलेख हमारे सुरक्षित रहेंगे और कभी भी न्यायालय में उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। इसी तरह से सरकार को सूचना देना, नई योजना बनाना, दोहराए गए ऑर्डरों को पूरा करना, ग्राहकों को स्मरण कराना, ये सब इसके लाभ हैं जो कि व्यापारी को होते हैं।
आगे आप देखेंगे कि नस्तीकरण प्रणाली जो है उसके आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, एक अच्छी नस्तीकरण प्रणाली में क्या क्या चीज़ें होनी आवश्यक हैं, उन चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। आप एक आदर्श नस्तीकरण प्रणाली के लिए आवश्यक तत्व क्या क्या हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि एक आदर्श नस्तीकरण प्रणाली में कौन कौन से गुण होते हैं या कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, लिखिए। तो नस्तीकरण प्रणाली जो एक आदर्श हो उसके लिए जरूरी है सबसे पहला कि जो भी नस्तीकरण की प्रणाली हो वो बहुत ही सरल हो, उसमें फाइलिंग कोई भी व्यक्ति कर सके और वहाँ से पत्रों को आसानी से कोई भी ढूंढ सके, इतनी सरलता उसमें होनी चाहिए। दूसरा है शीघ्रता, अर्थात कोई भी पत्र ढूंढना हो तो शीघ्र ढूंढा जा सके या फाइलिंग करने का भी समय कम से कम लगे, क्योंकि बहुत लंबी फाइलिंग प्रक्रिया होगी तो समय ज़्यादा उसमें व्यय होगा और समय व्यय होगा इससे व्यापार को नुकसान होगा। तीसरा है अल्प स्थान, नस्तीकरण की प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जो कम से कम स्थान घेरे, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा स्थान में उसको रखने की व्यवस्था की जाए तो वो उचित नहीं होगी, अल्प स्थान घेरना चाहिए। चौथा है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सुरक्षा, फाइलिंग की जो भी प्रणाली अपनाई जाए उसमें पत्रों की सुरक्षा जरूर होनी चाहिए, क्योंकि फाइलिंग का प्रमुख उद्देश्य ही है पत्रों को सुरक्षित रखना, तो सुरक्षा ऐसी प्रणाली हो जिसमें पत्र सुरक्षित रहें। पांचवा है मितव्ययिता, मितव्ययिता का मतलब है कि फाइलिंग की प्रणाली ऐसी हो जिसमें कम से कम खर्च हो, ऐसी प्रणाली ना हो कि बहुत ज़्यादा व्यापारी को व्यय करना पड़े। छठा है लोच, लोच का मतलब है कि नस्तीकरण की प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि आवश्यकता पड़ने पर उसको घटाया या बढ़ाया जा सके, लोच का मतलब यही होता है, लोच मतलब कि उसको फैलाया जा सके या अगर व्यापार सिमट गया तो उसको घटाया जा सके। इसी तरह से अनुकूलता, अनुकूलता का मतलब है कि नस्तीकरण प्रणाली ऐसी हो जो व्यवसाय के अनुकूल हो, ऐसा ना हो कि व्यवसाय हमारा बहुत छोटा है और नस्तीकरण की प्रणाली बहुत ही महंगी वाली हमने चूज कर लिया तो व्यापार उसका बोझ उठा नहीं पाएगा। इसी तरह से शीघ्र पहुँच हो, शीघ्रता से फाइलिंग तक पहुँच जाए आदमी और कोई भी पत्र ढूंढ ले। और लास्ट है इसका गोपनीयता, पत्रों की गोपनीयता बनी रहे ऐसी नस्तीकरण की प्रणाली होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पत्र खुले खुले रखे हैं और उसमें कोई गोपनीयता नहीं है, जो आया वही पत्र देख रहा है या वाउचर देख रहा है या जो भी अभिलेख है वो देख रहा है, तो गोपनीयता बनी रहनी चाहिए। अब हम आते हैं कि नस्तीकरण की विधियाँ कौन कौन सी हैं। नस्तीकरण जो हम लोग करते हैं, नस्तीकरण की मुख्यतः दो विधियाँ हैं, एक है लेटी हुई नस्तीकरण प्रणाली और दूसरी है खड़ी हुई नस्तीकरण प्रणाली। सबसे पहले हम लोग देखेंगे लेटी हुई नस्तीकरण प्रणाली क्या होती है, इसमें किस प्रकार से फाइलिंग किया जाता है। लेटी हुई नस्तीकरण प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें पत्रों को लेटी हुई अवस्था में रखा जाता है, जैसे ये पुस्तक है, ये पुस्तक लेटी हुई अवस्था में है, इसी को हम कहते हैं जब फाइल में कोई पन्ना इधर फाइल है और एक पन्ना फाइल का इधर है और बीच में पत्रों को लेटे हुए अवस्था में हम अटैच कर देते हैं तो ये लेटी हुई अवस्था है। खड़ी हुई फाइलिंग में पत्रों को ऐसे खड़ा खड़ा लगाया जाता है अलग अलग, ताकि एक पत्र एक बार में निकल आए, ये दोनों में अंतर होता है। सबसे पहले आप देखेंगे कि जो लेटी हुई फाइलिंग की विधि है उसमें कौन कौन सी फाइलिंग की विधियां आती हैं जिसमें फाइलिंग हम करते हैं। इसमें सबसे पहला जो आता है तार फाइल प्रणाली, तार फाइल प्रणाली आपने बहुत से दुकानों में देखा होगा, ये देखिए चित्र में दिखाया गया है,
ये तार बना हुआ है, तार का नीचे एक इसमें दफ्ती का टुकड़ा लगा दिया जाता है, और कोई भी पत्र जब आता है व्यापार में तो इसको इसी तार में फंसा कर इसमें लगा लिया जाता है। अक्सर ये तार फाइलिंग वाली प्रणाली जो है, छोटे छोटे दुकानदार जो पान वाले हैं, चाय वाले हैं, या छोटे मोटे दुकानदार हैं जिनके पास महीने में दो चार पत्र आते हैं, उनके द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रणाली की कुछ लाभ हैं तो कुछ हानि भी है। लाभ इसके हैं कि यह मित व्ययी प्रणाली है, कम पैसा खर्च होता है, स्थान कम घेरता है, न्यूनतम समय लगता है इसमें फाइल करने में, और सरलता भी होती है, गतिशीलता भी रहती है। लेकिन इसके कुछ दोष भी हैं। दोष में क्या है, इसमें सुरक्षा का अभाव होता है क्योंकि यह खुली रहती है, असुविधापूर्ण होती है, पत्रों को फटने का डर रहता है, और इसमें सीमित मात्रा में ही पत्र फाइल किए जा सकते हैं। दूसरा जो फाइलिंग की विधि है वो है कार्डबोर्ड फाइल। कार्डबोर्ड फाइल में भी एक फाइल होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं एक कार्ड बना होता है और नीचे से दो इसमें धागे लगे होते हैं, कार्ड के ऊपर फाइलों को एक के ऊपर एक रखकर और इसमें पत्रों को या अभिलेखों को फाइल किया जाता है। इसके गुण को यदि आप देखें तो पत्रों को फाइल करना इसमें आसान होता है, इसमें भी खर्च बहुत कम आता है, पत्रों को फाइल करने और निकालने में समय भी कम लगता है, ये फाइल भी कम स्थान घेरती है, ऐसी फाइलों की संख्या आसानी से घटाई बढ़ाई जा सकती है। लेकिन इसके कुछ दोष भी हैं, इसमें थोड़े से ही पत्रों को फाइल किया जा सकता है और पत्रों को निकालने में असुविधा रहती है क्योंकि एक के ऊपर एक पत्र जमा रहते हैं, पत्रों की सुरक्षा की भी इसमें कमी है, पत्र इसमें खोने का डर बना रहता है। वास्तव में इस फाइलिंग विधि को वे व्यापारी काम में लाते हैं जिनके नाम पत्र कम संख्या में आते हैं या जिनके यहाँ लेन देनों की संख्या कम होती है। इसी तरह से एक और फाइलिंग की विधि है बॉक्स फाइल। बॉक्स फाइल में धातु की अथवा की बोर्ड की संदूक नुमा बनी होती है, इसमें प्रायः एक क्लिप लगी होती है या कोई अन्य उपाय पत्रों को उचित स्थान पर जमाए रखने हेतु किया गया होता है। ये प्रायः 3 से 4 इंच तक गहरे होते हैं। कभी कभी पत्रों को मनीला फोल्डरों के अंदर लगाकर बॉक्स फाइल में रख दिया जाता है। बॉक्स फाइलें भी केवल छोटे कार्यालयों के लिए उपयुक्त हैं क्योंकि बॉक्स में एक सीमित संख्या में ही पत्र समा सकते हैं। इसके अगर गुण को देखें तो इसमें पत्रों की सुरक्षा बनी रहती है, यह प्रणाली भी सरल है, वांछित पत्र देखने के लिए इसमें लगे सूचक पत्रों की सहायता ली जाती है, और यह प्रणाली भी सस्ती है। लेकिन दोष के रूप में अगर देखें आप तो इसका प्रयोग केवल छोटे व्यापारी ही कर सकते हैं, इसका प्रयोग भी सीमित मात्रा में ही होता है। इसके चित्र को भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से बॉक्स नुमा एक फाइल बना हुआ है जिसमें पत्रों को फाइल किया जाता है। इसके बाद से आता है फोल्डर फाइल। फोल्डर फाइल जैसा कि आप स्कूल में भी कोई फाइल आप जमा करते हैं, टेस्ट वाले या प्रोजेक्ट वाले फाइल, जिसमें एक फाइल होती है, दोनों तरफ उसके कवर होते हैं और बीच में एक क्लिप लगा होता है, उस क्लिप के अंदर आप पत्रों को छेद करके और उसमें टैग करते जाते हैं, और इस तरह से ये भी फाइल काफ़ी सस्ती है। लेकिन इसमें भी कुछ गुण दोष हैं, इसमें पत्र सुरक्षित रहते हैं, यह कम स्थान घेरती है, इनको प्रयोग करना आसान है, यह फाइलिंग की एक सस्ती विधि है, इसमें पत्रों को खराब होने का डर नहीं रहता। लेकिन दोष अगर इसका देखें तो इसमें पत्र अधिक नहीं रखे जा सकते हैं, पत्रों के चोरी होने का डर रहता है, पत्र निकालने में समय अधिक लगता है, कम हाशिया वाले पत्रों को रखने में कठिनाई होती है। इसी तरह से और एक फाइलिंग की विधि है जिसको हम कहते हैं लोहे की मुड़ी सलाखों वाली फाइल। इसमें भी फोल्डर फाइल के जैसे ही फाइल होती है, अंतर इसमें इतना होता है कि इसमें दो सलाखें मुड़ी होती हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। इन दो सलाखों के नीचे पत्रों को फाइल किया जाता है, ये भी काफ़ी सुरक्षित प्रणाली है और इसका भी प्रयोग छोटे व्यापारी ही करते हैं। और इसमें
लेटी हुई फाइलिंग की प्रणाली में जो अंतिम विधि है वो है पिजन होल अलमारी। पिजन होल अलमारी में 24 छोटे छोटे खाने बने होते हैं, एक अलमारी जो नुमा ये बना होता है और हर खाने में ए से ले के जेड तक के अक्षरों का खाना रहता है। लास्ट खाना जो होता है वो एक्स वाई जेड तीन अक्षरों के लिए होता है और पत्रों के जो भेजने वाले व्यक्ति हैं उनके नाम के पहले अक्षर के आधार पर इसमें फाइल किया जाता है। ये फाइल काफ़ी सुरक्षित फाइलिंग की विधि है और इसमें पत्रों को सुरक्षित रखा जा सकता है। ये विधि अधिकांशतः डाक खानों में प्रयोग की जाती है। अगर दोष इसका देखें तो ये विधि स्थान बहुत घेरती है, खर्चीली भी होती है और पत्रों को गिरने का डर बना रहता है। पत्रों को अक्षरों के आधार पर रखा जाता है, अतः एक ही विषय संबंधी पत्रों को ढूंढने में कठिनाई होती है। छोटे व्यापारियों के लिए यह प्रणाली महंगी है। तो ये लेटी हुई फाइलिंग की कुछ विधियां आपके सामने हमने बताई। इन विधियों में लगभग 6-7 विधियां आपको बताई गई। आप लेटी हुई फाइलिंग की दो विधियों को अच्छी तरह से याद कर लेंगे क्योंकि अधिकांशतया परीक्षा में यही पूछा जाता है कि नस्तीकरण किसे कहते हैं। नस्तीकरण की किन्हीं दो विधियों का उल्लेख कीजिए या लेटी हुई नस्तीकरण की किन्हीं दो विधियों का उल्लेख कीजिए या खड़ी नस्तीकरण की किन्हीं दो विधियों का उल्लेख कीजिए। आज हम लोग लेटी हुई नस्तीकरण प्रणाली के बारे में जानकारी ली है, कल हम लोग देखेंगे खड़ी हुई नस्तीकरण प्रणाली इसके अंतर्गत कौन कौन सी विधियाँ आती हैं उसके बारे में अध्ययन हम लोग कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।